प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित भवनों का मंगलवार को कमिश्नर ने निरीक्षण किया तथा भवनों के निर्माण में हुए सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की तथा लाभार्थियों से बात करके उनके द्वारा बनवाए जा रहे भवनों को भी देखा। आपको बता दें कि सबको आवास के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को भवन निर्माण के लिए 2,50,000 का अनुदान दे रही है, जिसमें से 3 लोगों को अब तक पूरा पैसे का भुगतान हो चुका है और मकान भी बनकर तैयार है। 32 लोगों को 2 किश्तों का भुगतान हो चुका है, जबकि 56 लाभार्थियों को पहली किश्त दिया जा चुका है। डूडा द्वारा निर्मित आवासों का कमिश्नर ने निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बुधवार को मुख्यमंत्री 101 लोगों को आसरा भवनों तथा 51 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपेंगे। निरीक्षण के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने बताया। प्रथम किस दी है और सेकंड किस? सर 35-37 37। बाकी के बाकी लोगों का जैसे काम एक एक सबको जाएगा सर। अभी जल्दी कराओ इसको, इसको जरा आप इसका मंगाओ इनसे पूरे का। सर हमारे यहाँ सर हम बोल रहे हैं 6,795 लोगों को फर्स्ट किस्त गई है, 4,000 लोगों को सेकंड किस्त। ये जो गैप इसलिए है सर कि अभी सेकंड किस्त जो फर्स्ट किस्त जो है बाकी लोगों को 28 तारीख को पीएम साहब के कार्यक्रम में दिया गया, तो जब वो कुछ काम कर लेंगे सर। इनका काम दिखाओ ना। एक वजह से रुका हुआ था काम इनका, जो कर लगा है ना सर, छोड़ दिया था जो मैप के बनने मैप के अनुसार बनाना है। दो कमरे मोड़ लिए उनके गाड़ी। प्रधानमंत्री आवास शहरी जो है यहाँ जो बने उसको देखने आए थे जी। कितने लोग? 56 लोगों को मकान यहाँ पे मिल रहा है, और इसके अलावा फिर जो और नाली खरंजे हैं वो भी बनाएंगे उसके बाद। और इसमें 2,50,000 रुपये प्रति आवास दिया जा रहा है, 3 किस्तों में 50,000, 1,50,000। कितने किस्त मिले सर? अभी कुछ लोगों को तो एक किस्त दी है, कुछ लोगों को 2 किस्त भी मिली है, कुछ लोगों ने तो पूरा बना भी लिया है, तो अलग अलग है। शायद 32 लोगों को एक किस्त दी है सर, 32 लोगों के आसपास एक किस्त दी है, और बाकी लोगों को और मतलब 32 लोगों को 2 किस्त दी है, सबको एक किस्त तो दे ही दी है। 56 को तो एक किस्त दे ही दी है।